गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जीके क्लास सेकेंड। ओके, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी लेसन है उसको हम पढ़ेंगे। 50% किया है, जो भी वर्क होगा आपका जीके का हमें इस बुक के अंदर ही करना है। ठीक है, तो ध्यान से बुक को देखेंगे और बुक के अंदर वर्क करेंगे। मैं एक और अनाउंसमेंट इस वीडियो से करूंगा सभी पेरेंट्स से, स्कूल परामर्श के लिए जो गाइडेंस के लिए स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप बच्चों को भेजना चाहते हैं तो डेली 10 बजे से सुबह 1 बजे तक आप डेली भेज सकते हैं। बसेस रन नहीं हो पाएगी तो लोकल बच्चे हैं जो खुद से आ सकते हैं, और अगर बाहर के पेरेंट्स छोड़ना चाहते हैं तो बच्चों को स्कूल छोड़ सकते हैं, या जरूरत ना समझे, कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो हमें घर बुला सकते हैं। ओके, हम चालू करेंगे लेसन 1, वाइल्ड क्रिएचर्स, जो जंगली जीव जंतु है उनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ाई करेंगे। अब देखिए, पहला दिया है, आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल एंड आई एम अ लायन, लॉयन, LION, लॉयन, बाघ जिसको बोलते हैं, लॉयन, LION। अलग अलग जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, कई लोग लायन बोलते हैं, कई लियोन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है इट्स लायन, लॉयन, LION, जंगल का राजा जिसको बोला जाता है, कि आई एम द किंग ऑफ जंगल। ओके, सेकेंड आ जाता है, इसमें ही लिखना है हमें स्पेलिंग, देखिए स्पेलिंग यहां दी हुई है, बच्चों को याद करवा के लिखना है, तो LION, लॉयन। सेकेंड है, आई मेक अ हिसिंग साउंड, आई एम डैश, इसमें नाम लिखना है, फोटो दी हुई है, सांप होता है ना, करता है, तो दैट्स कॉल्ड हिसिंग, मैं हिसिंग साउंड, मैं हूं जो ऐसी आवाज निकालता हूं, हिसिंग आवाज, बताओ मैं कौन, तो मैं हूं स्नेक, सांप, जिसको हम सांप बोलते हैं, SNAKE, स्नेक। थर्ड पे हम आते हैं, बियर, आई ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स, मैं पेड़ पौधे भी खाता हूं और मांस भी खाता हूं, बताओ मेरा नाम क्या, तो फोटो देख के हमें दिख रहा है बियर, बियर मतलब भालू, BEAR, बियर, स्पेलिंग दी हुई है BEAR, बियर। फोर्थ है, आई वैग माई टेल वेन आई एम हैप्पी, आई एम डैश, फोटो में दिख रहा है डॉग, मैं अपनी वैग, अपनी टेल को हिलाता हूं, पूंछ को हिलाता हूं जब मैं खुश होता हूं, बताओ मैं कौन, मैं हूं डॉग, DOG, डॉग, आई एम अ डॉग, ये दिया है DOG, डॉग, कुत्ता। अब आई कैन सी एट नाइट, मैं रात में देख सकता हूं, फोटो में देखो कौन है, उल्लू, जिसको हम हिंदी में उल्लू बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं आउल, OWL, आउल। ओके, हमें इसी में आंसर लिखना है। सिक्स नंबर पे है, आई लाइक टू ईट सीड्स एंड फ्रूट्स, आई एम पैरट, मैं सीड्स खाता हूँ, बीजे, धान, ये सब खाता हूँ, साथ में फल भी खाता हूँ, फ्रूट्स जो होते हैं खाता हूँ, मेरा नाम क्या है, तोता, हिंदी में तोता, इंग्लिश में होता है पैरट, PARROT, पैरट। हमें ये बुक में ही कराना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बच्चों को ध्यान रखें। आई हैव अ वेरी हार्ड शेल, आई एम अ डैश, मेरा हार्ड शेल, शेल मतलब मेरा जो ऊपर का कवच है, कवच, वो बहुत हार्ड है, बताओ मैं कौन, तो मैं हूं टोटोइस, टोटोइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कछुआ, कछुआ, TORTOISE, टोटोइस, टोटोइस करके बोलते हैं। ठीक है, ये हमें इसमें ही करना है, ये होते हैं वाइल्ड क्रिएचर, जंगली जीव जंतु। आज हम एक और लेसन करेंगे जो साउंड ऑफ एनिमल के अकॉर्डिंग हमें इसको भरना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला है, सबसे पहला जीव जंतु क्या है, माइस, माइस, माइस मतलब चूहा, चूहा कैसा करता है, घर में आवाज करती है ना, स्क्वीक स्क्वीक, इंग्लिश में जो साउंड होता है स्क्वीक करता है, तो वो कौन करता है, कौन करता है, माइस, माइस मतलब चूहा। ठीक है, सेकंड होता है ब्लीट, ब्लीट, ब्लीट साउंड कौन करता है, शीप, शीप मतलब, शीप मतलब, शीप जिससे हम ऊन निकालते हैं, इसको भेड़, भेड़ बोलते हैं, कई जगह भेड़ बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड शीप। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है उसने पीजन, पीजन कैसे आवाज निकालता है, क्लक क्लक, कई बार देखेंगे, पीजन मतलब कबूतर, कबूतर घर के आसपास देता है तो उसकी आवाज होती है CLUCK, मैं फोटो खींच के बेचूंगा, क्लक क्लक आवाज निकालता है, जब बच्चों को पढ़ाएं, पेरेंट्स सब वीडियो साथ में बैठ के देख रहे हैं तो उनको बताओ कि साउंड कौन निकालता है, नीचे हेल्प बॉक्स में दिखा हुआ है कि किसका साउंड है, तो उस साउंड के अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाता है। फोर्थ नंबर पे उनने दिया हुआ है, फोर्थ नंबर पे साउंड है हैन, हैन मुर्गी, कहाँ है मुर्गी की फोटो, ये देखिए मुर्गी, मुर्गी कैसे आवाज निकालती है, फोर्थ नंबर पे मुर्गी कू, सॉरी पिजन अपनी कू कू आवाज करती है, लेकिन ये जो मुर्गी होती है, मुर्गी आवाज
क्लक 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 करती है, कुकड़ुकू जिसको बोलते हैं या इंग्लिश में उसको क्लक बोल देते हैं। अब आ जाता है फिफ्थ नंबर पे स्नेक। स्नेक कैसी आवाज करता है? स्नेक कैसी आवाज करता है? कभी भी बच्चे देख रहे होंगे तो पढ़ेंगे, ऐसी आवाज करता है, हिस। देखो HISS, फिफ्थ नंबर। इसमें नंबर के अकॉर्डिंग दिया, अपने को बताना है कौन सा जा है। ये नीचे देखिए दिया है, पांचवें नंबर पे स्नेक है, तो स्नेक कैसी आवाज निकालता है? हिस। एच दिया, एस दिया है, बीच में आई और एस डालना है, हिस करना है। अब आ जाते हैं एलिफेंट। सेवेंथ नंबर पे एलिफेंट है, एलिफेंट सेवेंथ नंबर पे। देखो TRUMPET, ट्रम्पेट आवाज करके निकालता है, जो एलिफेंट होता है। अब आ जाते हैं हम आउल पे, सिक्स नंबर पे। आउल कैसा आवाज निकालता है? खैर मैंने भी कभी नहीं सुना, लेकिन गूगल करने में पता चला वो आवाज निकालता है हूट, हूट। तो हुट बोला जाता है, HOOT, हुट हुट बोला जाता है। अब बीस, बीस मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी कैसी आवाज निकालती? कभी भी अपने आसपास घूमती तो कैसे होता है? बज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोला जाता है बज, तो बज आवाज निकालती, BUZZ, बस बस करके आवाज निकालती है। जब भी ये लेसन बच्चों को पढ़ाएं तो साथ में बैठें। एंड नाइन्थ लास्ट रह गया हॉर्स। हॉर्स कैसा आवाज निकालता है? नहीं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं नाई, NEIGH, नाई। कभी भी उसकी साउंड करने का तरीका अलग अलग होता है, तो बच्चों को वो जब पढ़ाएं तो थोड़ा साउंड करके पढ़ाएं। ये नीचे इनके वो दिए हुए हैं नंबर, पहले नंबर पे कौन सा जानवर का है, दूसरे पे कौन से जानवर का है, तीसरे पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको भरा है। आप उस आवाज निकाल के बच्चों को बताएंगे। ओके, अब एक और लेसन आज करेंगे, लेसन नंबर थ्री। तीन लेसन जो भी वर्क है इसी में डालेंगे, मैं PDF बना के भेजूंगा। स्पेशल एनिमल्स। ओके, क्या है स्पेशल एनिमल्स? अब द एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, इसके बारे में दिया हुआ है। एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड, कौन सा एनिमल है? फोटो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको? क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल। ओके, मैंने इस पे लिखा है, ठीक है। इट फीड्स मेनली ऑन बाम्बू लीव्स, कहां पे ज्यादा कर रहता है? फीड्स, जो खाता है, बाम्बू। बाम्बू मतलब समझता है ना क्या होता है? बाम्बू लीव्स, बाम्बू, या जो बांस का बल्ली जिनको होते हैं उनको बाम्बू बोला जाता है। उनकी पत्तियों पर, उस पर रहता है और मेनली वो जंगलों में रह के लीव्स खाता है। उसका नाम पिक्चर पे दिख रहा है, क्या नाम है ये? पांडा, PANDA, पांडा। पांडा भी बोलते हैं कई लोग, पांडा भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। अब ये जो रहता है बिग हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब इसकी सिंग, हॉर्न्स मतलब सिंग होती है, लेकिन मेनली ये बर्फ पे पाया जाता है, बर्फ बर्फीले एरिया में पाया जाता है। फोटो के अकॉर्डिंग ये है रेनडियर, रेनडियर, REINDEER, डियर। और ये जो चिंपैंजी, देखने से ही लग रहा है चिंपैंजी द एनिमल इज एन इंटेलिजेंट एप, एप। तो ये क्या होता है? चिंपैंजी, CHIMPANZEE, चिंपैंजी। तो हम जीके में तीन लेसन किए, स्पेशल एनिमल्स, साउंड ऑफ एनिमल्स और वाइल्ड क्रिएचर्स। ये तीनों पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के हिंदी में समझा के हमें करना है कि कौन से जानवर है, पिक्चर देख के इनको बताना। मैं इसकी PDF बना के आप लोग को वीडियो के साथ आज भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।